में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत विद्यार्थियों के लिए निरंतर संघर्ष करते आ रहे लोक इंसाफ पार्टी के नेता जनरल नंगल ने अब अपने संघर्ष को और तेज कर दिया है। इस तेज किए गए संघर्ष के चलते आज जनरल नंगल द्वारा भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। इस मौके पर किए गए प्रदर्शन के दौरान संबोधन करते हुए जनरल नंगल ने कहा कि लवली यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थियों के साथ हमेशा से धक्केशाही की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसके बावजूद भी प्रशासन व सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम ना उठाया तो इस संघर्ष को प्रदेश स्तर पर और तेज किया जाएगा। फगवाड़ा से हलचल टुडे के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। अज असी सारे जिम्मेवार साथी लोक इंसाफ पार्टी मेरे नाल साढ़े संकारयोग साथी हरदीप सिंह जी रंगपुर अवतार सिंह जी और सरबजीत सिंह जी लवाणा ये साथी जिहड़े अज मेरे नाल इस रोस धरने ते मन मत का जिहड़ा साडा प्रोग्राम सी उहदे विच बैठे आ। मामला तुहानू पता ही है भाई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम दे अधीन लवली यूनिवर्सिटी वालों दाखिले बंद कर दिते गए और पिछला प्रोटेस्ट जिहड़ा जिन्ना भी चलता गया जिहदे विच लवली यूनिवर्सिटी ने बच्चों नू जिहड़ा आ वह बैंक गरंटी के नाम के उत्ते बौंड करन दी कोशिश की, बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश असी विरोध किया क्योंकि वो किसी कानून के दायरे के कोई वो नहीं सी। और उस तो अलावा जिहड़ा लवली यूनिवर्सिटी ने किसी भी बच्चे एडमिशन देने तो पहला जिहड़ा जो वितकरा कर रहे हैं पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट उस वितकरे के खिलाफ जिहड़ा असी आवाज़ जिहड़ी अपनी चुकी सी। लेकिन दुख की गल है भी 10 तरीक नूं डीसी साहब की अगवाई के मीटिंग हुई। डीसी साहब की मीटिंग के लवली यूनिवर्सिटी के राकेश मित्तल जी और उन्होंने चार साथी होर सके वो मन के चले गए भी असं एडमिशन देवे। लेकिन अच्छ 16 तरीक तक किसी भी बच्चे जोड़ा एडमिशन दिता। दुख की गल एक ये भी है कि वितकरा हो रहा जोड़े पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट आ एक स्टूडेंट ने डिप्लोमे एडमिशन दिता वो शायद कितने उन्होंने एडमिट जोड़ा स्टाफ से उन्होंने उन्होंने आइडेंटी कार्ड देता वह बारहों बुला के आइडेंटी कार्ड गल के ला लिया और ये जोड़ा काम होया ये साढ़े नाल जोड़ा शरेआम धक्का हो रहा वितकरा हो रहा और प्रशासन जोड़ा गूढ़ी नींद सुता है। सरकार जी वो कंते जू नहीं सरकती। सरकार व्डिया व्डिया डींगा मारती है लेकिन कोई भी जोड़ा है वह गरीब के हक की गल नहीं कर रहा। तो अच्छ असी इस मनवर से बैठे हाँ धरना प्रदर्शन से बैठे हाँ देखते हैं जे सरकार जागू नहीं तो लोगों जगावे लोगों के घर तक पहुँच करा लोगों लामबंद करा। हूँ गल इतें आ गई है भी जहाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अधीन बिना किसी बैंक गरंटी या बिना किसी फीस तो लवली यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी जां फिर असी मरन को तैयार बैठे हाँ क्योंकि उदा भी इन्होंने सानू मारना ही साढ़े बच्चे अनपढ़ रह गए साढ़े पल्ले कुछ नहीं बचना बच्चे साढ़े जिहड़े आ वो साडा भविख आ ते जे वो भविख जिहड़ा इन्ना खतरे च आ सरकार देखती नहीं तो फिर साढ़े कोल होर कोई दूजा रास्ता नहीं है। पर असी इत्थे सरकार नूं ताड़ना जरूर करते हाँ कि फगवाड़े तो शुरू हुई है जिहड़ी चंग्यारी है ये कितें वड्डे ज्वालामुखी का रूप धारण कर सकती है। इस गल तो अलर्ट हो कि डीसी साहब ने तुहानू प्रशासन पिछे जिहड़ी तुहाडी मीटिंग हुई सी उस दौरान तुहानू प्रशासन ने कुछ ना कुछ दस्सिया सी। बिल्कुल जी डीसी साहब ने कहा सी वी सवेरे एडमिशन हो जाणगीआं ये 10 तरीक की गल है 11 तरीक नूं सवेर नूं एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई सी 10 नूं एसडीएम साहब मीटिंग सी वी एसडीएम साहब तुसीं नाल चाहे तहसीलदार नूं लैके तां इस सवेरे एडमिशन कराओ और सवेर नूं असीं एसडीएम साहब के ऑफिस पहुंचियां 10 बजे स्टूडेंट नूं लैके। एसडीएम साहब है ही नहीं दफ्तर के तहसीलदार साहब है ही नहीं वेलफेयर मिनिस्टर जिहड़े ऑफिसर आ है ही नहीं। तो असी फिर 1 बजे एसडीएम साहब का फोन आया सानू कहिंदे यूनिवर्सिटी जाओ असी यूनिवर्सिटी चल गए हाँ उतो फिर उदा खाली हथ वापस आना पाया एडमिशन नहीं होती। डीसी साहब की मीटिंग का कोई मीनिंगफुल नहीं रही मीनिंगलैस होगी।